दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम बदला हुआ है। दोपहर के वक्त तेज धूप और शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण फरवरी में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। मैदानी इलाकों में लोग धूप सेक रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों पर लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों को लेकर वेदर अपडेट जारी किया है। IMD का कहना है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है। 13 से 15 फरवरी के बीच उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर और बारिश की आशंका है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD के मुताबिक 14 फरवरी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना है। असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। इन तीनों राज्यों में भी हल्की बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। शीतलहर के बाद कई राज्यों में बारिश है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम में बदलाव के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनें अभी तक देरी से चल रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राज्यों में 13 से 15 फरवरी के दौरान गरज के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हिस्सों के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। इसलिए आगामी 4 दिन हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर चल सकती है। यहां पर आज न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी की बात की जाए तो राजधानी की हवा 10 दिनों बाद फिर खराब स्तर पर पहुंच गई है। रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार यानी बेहद खराब श्रेणी में गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 31 जनवरी को दिल्ली और आसपास के इलाके में अच्छी बारिश हुई थी, जिसके कारण लोगों को प्रदूषण से राहत मिली थी, लेकिन अब प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। रविवार को दिल्ली का AQI 313 अंक पर रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।